हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम होंडा के एच स्मार्ट एक्टिवा 6G इसका टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो इसमें थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ मुझे लगती हैं, जैसे कि इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, इसमें आपको विदाउट की आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपको की का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, आपको रिमोट मिल जाता है, इससे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। इसको आप लोकेट भी कर सकते हैं, तो 10 से 15 मीटर्स के अंदर आप इसको लोकेट कर सकते हैं और यहाँ पे गाड़ी को आप लॉक भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी गाड़ी जो है लॉक हो गई है, यहाँ से लॉक हो गई है और इसमें आपको सीट और फ्यूल बाकी जैसे जो पुराने मॉडल्स में आपको देखने के लिए मिलता था वैसा ही यहाँ पे आपको सीट और फ्यूल के लिए ये देखने के लिए मिलता है। अगर आपको सीट खोलना है तो जस्ट आप ये दबाएंगे तो ये सीट खुल जाती है, आपको सीट पे इसको रखना पड़ता है। और अगर आपको इसी एंगल पे अगर आप रखेंगे और फ्यूल को दबाएंगे तो ये देख सकते हैं आप फ्यूल का जो नॉब है खुल जाता है। अगर की को आप 2 मीटर के पास में रखते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गाड़ी को जो है स्टार्ट करना है। की को जो है दूर लेके जाएंगे, 2 मीटर से दूर लेके जाएंगे। आप अगर इसको लॉक करना भूल गए हैं तो ये गाड़ी एटलीस्ट ये कि इसका इंजन टर्न ऑन नहीं होगा, ये चीज़ इसमें मिल जाती है। जैसे आप 2 मीटर के अंदर आएंगे और गाड़ी को आप यहाँ से जस्ट इसको जो है आई पे लेके आते हैं, यहाँ पे आई पे लेके आते हैं तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें मिल जाती है। बाकी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो अभी आपको की का एक सिंबल मिल जाता है, तो की से आप इसको लॉक अनलॉक और लोकेट कर सकते हैं। बैटरी का जो सिंबल है वो भी दिख जाता है अगर आपकी बैटरी डाउन होगी, क्योंकि इसमें जो है पूरा जो फंक्शन है वो बैटरी का है। तो कब भी गाड़ी आपकी जो प्रॉब्लम में आ गई, अगर कुछ भी होता है तो आप इसको धक्के मार के आपको लेके जाना पड़ेगा या फिर आपको कुछ अलग तरीके से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो है बैटरी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे इंडिकेशन देने लग जाएगा, जल्द रिप्लेस करा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो है यहाँ पे आपको मेल फंक्शन का सिंबल मिल जाता है और ये लाइट का सिंबल मिल जाता है और उसमें जो आपको एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी जो ये स्कूटर है बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो 6G आता है वैसा ही है, बस यहाँ पे जो है आपको विदाउट की आप इसको चला सकते हैं, इसमें की लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको जो है किक नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसको भी हम चला लेते हैं। वैसे तो जैसे देख सकते हैं आपकी की इसके 2 मीटर के दायरे के अंदर है, तो आपको बस ये जैसे आई बटन में आ जाता है, आई वाला जो सिंबल है उसमें आ जाता है, तो आप इसको जस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ मुझे जो होंडा की स्कूटर में ये लगती है कि इनका जो स्टेबिलिटी रहता है हैंडलिंग कंपेयर टू, मैंने जितने भी 125 सीसी या फिर 110 सीसी के भी स्कूटर चलाए हैं तो होंडा का जो हैंडलिंग है मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। मतलब ये गाड़ी काफ़ी ईजी है, मतलब इसको चलाना और हैंडल में कोई भी आपको डर नहीं लगता कि गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो रही है, ऐसा है वैसा है, गाड़ी को चलाने में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इंजन रिफाइनमेंट आई वुड से कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 125 सीसी की कैटेगरी में या 110 सीसी की कैटेगरी में एक्टिवा ही है जिसका इंजन रिफाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो गाड़ी चलने में काफ़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है और एकदम मक्खन की तरह चलती है, आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। आप स्पीड में जितना भी चलाना चाहते हैं आप इसको चला सकते हैं और वाइब्रेशन कुछ भी नहीं मिलते हैं। गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है और ब्रेकिंग भी इसके ऐसे नहीं कि सडन अब्रप्ट ब्रेकिंग है जिसमें आपको डर सा लगने लगे, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, आप आराम से इसको चला सकते हैं और ब्रेकिंग लगाएंगे तो धीरे धीरे करके ब्रेकिंग लगती है। और सस्पेंशन का सेटअप भी ठीक है, कुछ स्कूटर्स मैंने चलाया जिसमें जो सस्पेंशन है बहुत हार्ड है और आपको मतलब जब आप गड्ढे में जाते हैं फिर बम्पर्स में जाते हैं तो मीन्स जो बम्प्स होते हैं उसमें जाते हैं तो आपको थोड़ा गड्ढा फील होता है और गाड़ी जो है थोड़ी बहुत अनस्टेबल हो जाती है उस चीज़ में। लेकिन यहाँ पे जो है सस्पेंशन का सेटअप ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेटली हार्ड है लेकिन ओके है। और जो इनिशियल पिकअप है वो ठीक ठाक है। इसका जो इंजन है इसमें आपको जो है 7.8 PS की पावर मिलती है और जो टॉर्क है अराउंड 8.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है, इंजन वैसा ही है और बहुत ही रिफाइंड इंजन है। आप लंबी राइड पर भी जाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। और स्कूटर थोड़ा लाइट ही है, ज़्यादा इतना हैवी भी नहीं है, 110 सीसी का स्कूटर है तो आप इसको आराम से चला सकते हैं। और सिटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, सीट का कंफर्ट भी बहुत ही बढ़िया है,
आप डेली के मान के चलिए तो 60, 70, 80 किलोमीटर आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी बैक पेन, हैंड पेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड में कोई पेन आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस स्कूटर की है। और मेरे को सबसे बढ़िया इसका जो है हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और इंजन का जो है वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप स्कूटर सेलेक्ट करते हैं। तो ये स्कूटर आई वुड से कि 110, 125 सीसी की कैटेगरी में एक्टिवा सबसे बेस्ट है। और मैंने चलाए तो सारे स्कूटर है, बट ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और आप देख सकते हैं सिटिंग भी काफ़ी अच्छा है, फुटबोर्ड स्पेस अच्छा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि किक नहीं है। तो अगर आपका स्कूटर कभी भी कुछ प्रॉब्लम में आ गया तो आपको जो है खुद ही लेके जाना पड़ेगा, या फिर आप अलग तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं वैसे, वरना अगर बैटरी डेड तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो लेडीज़ लोगों को हो सकती है, क्योंकि उनको ज़्यादा जो है किक विक यूज़ नहीं कर, इनको पता नहीं होता कि कैसे स्टार्ट किया जाता है स्कूटर को, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी लड़के लोग तो इसको धक्का मार के भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। और बाकी जो है गाड़ी का स्टेबिलिटी अच्छा है, और जो है कीलेस एंट्री मिल जाती है, और इसको आप लोकेट भी से कर सकते हैं। अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको स्कूटर दिख नहीं रहा तो 10 से 12 मीटर के अंदर जो है आप इसको एक बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लग जाएगा और एक साउंड मारेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि स्कूटर कहाँ पर है। तो एक वो चीज़ है, और की तो इसमें है ही नहीं, तो 2 मीटर के अंदर जैसे ही आप रहेंगे तो तभी आप इस स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, वरना नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब होंडा एक्टिवा 6G H स्मार्ट वाले मॉडल पर एक राइड हुआ था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।